बौद्धिक व्यापार मंच में आपका स्वागत है। ये हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, अंबुजा सीमेंट से आए नवल पाठक जी हैं और इन्होंने जो आइटम दिया है, ये गिफ्ट दिया है, ये ऐसा गिफ्ट है जो कि सभी लोग लगाना चाहेंगे। देखिए, इसमें नाम भी लगा है और अंबुजा सीमेंट का ऊपर लगा है अंबुजा फाउंडेशन। और बताइए इसकी क्या, ये इन्होंने इंजीनियर्स का एक यूनिक गिफ्ट दिया है जो कि हर आदमी जो चाहेगा अपनी टेबल पर लगाना चाहेगा। एक तो हमारी ये बात हो गई, दूसरा ये चांस की बात है। एज ए इंजीनियर से हमारे पास में आए थे और जहाँ पे मैं एज ए पत्रकार बौद्धिक व्यापार मंच की तरफ से इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ और ये मैं चाहूंगा कि ये अंबुजा सीमेंट ही क्यों, इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और सबसे पहले मैं अपने आप को और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे को ये मौका दिया जी, इस बौद्धिक व्यापारिक मंच के थ्रू मैं अपने सीमेंट के बारे में कुछ बता पाऊं जी। तो अंबुजा सीमेंट जो है उसके यहाँ पर तीन तरीके के सीमेंट आते हैं, एक नॉर्मल अंबुजा, एक अंबुजा प्लस और एक अंबुजा कवच जी। और जो तीनों तरीके के सीमेंट हैं वो भवन निर्माण के लिए उच्च क्वालिटी द्वारा बनाए गए हैं और जहाँ पर भी आपको भवन निर्माण करना है आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। और इस्तेमाल करने के साथ साथ इंजीनियर की सुविधा सर्विसेज, ऑन साइट सर्विसेज आपको फ्री में उपलब्ध होती हैं और कभी भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो एक बार अवश्य याद करिए, आपकी साइट पर पहुंचकर आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी, संपूर्ण साइट का समाधान उच्च क्वालिटी द्वारा किया जाएगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, थोड़ा सा मैं इसमें इंटरेक्शन देना चाहूंगा कि लगभग अभी काफी ब्रांड हमारे झांसी में मौजूद है जी, तो सभी लोग कुछ ना कुछ लगभग उन्हीं की इतनी वैरायटी होती है भाई, हम लोग जो है ऐसे इंजीनियर्स में अदरवाइज उसको मत लेना। मैं एक आपका हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि कोई दो चीज़ होती है कस्टमर देखता है, एक तो होता है क्वालिटी और एक होता है रेट। तो रेट वाइज यदि जो हमारे पास में मार्केट में जो ट्रेंड चल रहे हैं, ब्रांड चल रहे हैं, उनमें हमारा अंबुजा सीमेंट कहाँ से? सर रेट वाइज में अगर आप देखेंगे तो अंबुजा सीमेंट आपको ऊपर ही मिलेगा क्योंकि हम क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं। अगर आप क्वालिटी वाइज देखेंगे तो क्वालिटी वाइज में आपके झांसी में जितने भी ब्रांड हैं आप सबका टेस्ट कर लीजिए और क्वालिटी वाइज में आप अंबुजा सीमेंट की क्वालिटी नंबर वन ही है। अच्छा। और उसका आपको टेस्ट करना है तो हमारी जो स्ट्रेंथ है जी, मैं मतलब मैं समझ गया कि यदि हम मोर और लेस देखें तो सभी लोग ब्रांडेड क्वालिटी है। रेट वाइज यदि देखें हम ACC माइसेन तो हमारा लोकल का है जी, तो ACC यदि देखें तो और दूसरे ब्रांडों से कितना अंतर पड़ता होगा ये लगभग? ACC और अंबुजा अभी तक हमारे एक ही ग्रुप का पार्ट था जो कि होलसेल ग्रुप था और हाल ही में अभी अडानी सीमेंट, अडानी जी ने उनको परचेस किया हुआ है जी, तो आने वाले कल से जी आपको जो मिलेगा कल का मतलब 15 सितंबर से जो कि आज हमारा पूरा ट्रांजिशन हो जाएगा होलसेल ग्रुप से अडानी ग्रुप में। अच्छा, तो ये अडानी जी के पार्ट हैं। तो इसका मतलब क्वालिटी तो एक बेहतरीन हम मान के चले, साथ साथ में रेट में हमारा आपका और अन्य ब्रांडों से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि हम जब हम मार्केट में जाएंगे तो निश्चित रूप से अंबुजा ही सीमेंट लेंगे क्योंकि रेट में ज्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल सर, आदमी चाहेगा क्वालिटी अच्छी मिले और रेट में। बिल्कुल सर, एक चर्चा और थोड़ी सी, चूंकि समय का अभाव हम लोग भी बंदे से वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम ये देखते हैं, आप हमारे बौद्धिक व्यापार मंच में आए हैं और मैं ही इसको संचालित कर रहा हूँ एक तरह से, तो आप जी बताइए बौद्धिक व्यापार मंच में आप व्हाट्सएप ग्रुप भी जुड़े हैं और दूसरे हमारे अनेक वीडियो भी आ रहे हैं, उसमें आप क्या विशेषता पाते हैं और बौद्धिक व्यापार मंच के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहूंगा सर कि आपने बुंदेलखंड की धरती झांसी पर एक जो नया प्रक्रिया, एक नया कार्यक्रम चालू किया है बौद्धिक व्यापार मंच, जिसके थ्रू लोगों की प्रतिभाएं आगे उभर के आ रही हैं और कैसे हम अपने बुंदेलखंड को, कैसे हम अपने झांसी को और आगे अच्छे तरीके से बढ़ाएं, उसमें क्या क्या हम अपने योगदान कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो नई नई प्रतिभा भी आ रही हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये भी आप उसमें समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक सोशल कार्यक्रम से जुड़कर और लोगों को प्रेरित करके और कैसे अपने झांसी को और अच्छा बनाया जाए, कैसे इसका अच्छा विकास किया जाए, उसमें आप संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि इस मंच को कंटिन्यू रखिएगा और भी नए लोगों को जोड़िए और इस बौद्धिक व्यापारिक मंच के थ्रू झांसी को और सुंदर और अच्छा बनाइए। धन्यवाद सर, आपने इतने शुभ संदेश भेजे,
उसके साथ में एक चीज और थोड़ा सा जुड़ना चाहूंगा। हमारा बौद्धिक व्यवहार मंच का एक ही मंत्र है, एक तरफ हमारे लेफ्ट साइड में जैसे हम सोचें कि सर्विस देने वाले हैं, और एक तरफ अमूमन सभी लोग एंड यूजर्स होते ही होते हैं, और बौद्धिक व्यापार मंच उन दोनों के बीच में समन्वय रह रहा है। साथ ही साथ इसकी एक विशेषता यह है कि हम लोग सामूहिक शक्ति में काम करते हैं। कोई भी काम किसी भी तरह का हो, तो एक मार्केटिंग ट्रेंड हमने निकाला है कि क्वालिटी के प्रोडक्ट जो हमारे कुटीर उद्योग के माध्यम से माइक्रो इंडस्ट्री और टिनीमा इंडस्ट्री के माध्यम से निकलेंगे, उनको हम लोग सामूहिक शक्ति के अंदर से मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन की पावर तो है लेकिन वो क्वालिटी ग्रेडिंग और उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है उस लेवल की मार्केटिंग। जहाँ तक सीमेंट की बात है, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि कंस्ट्रक्शन के मामले में भी हम सामूहिक शक्तियों को इंट्रीगेट कर सकते हैं। किसी के पास में आइडल संसाधन बहुत पड़े हैं, सुस्त संसाधन पड़े हैं, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिसमें कि इक्विपमेंट्स और टूल्स, हायर लेवल के टूल्स जब छोटी छोटी टिनी इंडस्ट्रीज में जब हम यूज करने लगेंगे, तो टेक्नोलॉजी का सही मायने और हमारी जो देश की विकास है उसकी इकोनॉमी बहुत तेज बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ साथ मैं नवल किशोर पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, उन्होंने हमें समय दिया और इन्होंने इतनी बढ़िया सुंदर गिफ्ट दी है जो यूनिक है, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।